नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहकार भारतीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जनता को रोजगार परक बनाना है। इसी क्रम में झांसी मंडल में भी विभिन्न स्थानों पर बैठकों को आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान की कुर्सी पर विराजमान रहे राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ के प्रदर्शनी मैदान में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने संबोधन दिया, जिसे सुनने हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। हरदोई जिले में बीती रात मुस्लिम समुदाय के एक युवक द्वारा शिव मंदिर में तोड़ फोड़ करने की घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। ये कल शाम को दो पक्षों के मध्य कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसमें आपस में मारपीट हुई थी। एक पक्ष ने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पे शिकायत दर्ज कर ली गई थी और उस पर कार्रवाई भी विवेचना चल रही है। आज जो है पुनः एक पक्ष एकत्रित हुआ, जिसमें आपस में ही कुछ झड़प झगड़ा हुआ था। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरा में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। वहीं टहरौली पुलिस को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। बता दें कि पत्र में दिव्यांगों ने 5 प्रमुख मांगे रखी। वही जिलाधिकारी ने मांगे जल्द से जल्द पूरी करवाए जाने का आश्वासन दिया। अपना 5 सूत्री मांग ज्ञापन किसको दिया गया? डीएम के हाथों से गौरतलब है सीधा मुख्यमंत्री जी के, कि हमारी 5 सूत्री मांगो जल्द से जल्द निवारण किया जाए। नहीं, ये विकलांग काफिला बांदा से लेकर दिल्ली के लाल किले तक जाने के लिए तैयार है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां CHC के डॉक्टर ने मरीज को एक्सपायरी इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद मरीज ने CHC के चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फर्रुखाबाद में BDO, ADO, ग्राम पंचायत अधिकारी से प्रताड़ित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने खुदकुशी कर ली। तीनों अधिकारियों के नाम लिखा मिला सुसाइड नोट, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामला थाना कादरी गेट के गंगानगर का है। फूलपुर क्षेत्र में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की खेप प्रशासन ने पकड़ी है। पकड़ी गई मछलियों को गड्ढा खोद कर दबा दिया गया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर के प्रेम नगर में बंद पड़े मकान में मिला युवक का शव मिलने पर लोगों में हड़कंप मच गया। वही लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही CO सिटी अनिल कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ प्रवीण रंजन सिंह मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। आज प्रातः ग्राम प्रेम नगर थाना क्षेत्र हल्दौर से एक 26 वर्षीय राहुल का मृत शरीर उसके घर की छत से बरामद हुआ। मृतक की अपनी पत्नी से लगातार विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा था। कैंटर लूटने के प्रयास में असफल होने पर चालक और परिचालक से मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हुए थे लुटेरे, जिसके बाद हाथरस पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लुटेरों के कब्जे से एक बाइक, अवैध असलहा और 2 मोबाइल बरामद किया गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।